तो साथियों नमस्कार। नरेश मीणा जी की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, तो ये एक तरह से निंदाजनक माहौल है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं गिरफ्तारी के खिलाफ, सारी तरह की चीज़ों से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकार को अपने हिसाब से काम करने दिए जाए। संवैधानिक ढंग से हर काम अच्छा होता है, क्योंकि घटना सभी दुर्भाग्यपूर्ण थी। रात को पुलिस की जो कार्रवाई थी वो भी दुर्भाग्यपूर्ण थी। नरेश मीणा जी के द्वारा एसडीएम को थप्पड़ देना वो भी दुर्भाग्यपूर्ण थी। चाहे एसडीएम गलत थे, लेकिन संवैधानिक ढंग से ही हमको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये बात को सारी लोग बाग भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है, प्रशासन भी जानती है कि कलेक्टर से लगातार आने की बोलने के बावजूद भी कलेक्टर के द्वारा वहाँ पर किसी तरह की कन्वेंशन नहीं की गई। उसके बाद में ये चीज़ हुई। उसके बाद में रात को खाना वाने खाते टाइम पुलिस की जो कार्रवाई थी वो भी निंदाजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नरेश मीणा जी की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के हाईवे जाम किए जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, सभी तरह की जो भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अभी अभी जो घटनाएं हो रही है कि गाड़ियों को खाई में ढकेल दिया गया है, तो ऐसी चीज़ें एक तरफ से गलत हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम करता है और मीडिया की ज़्यादा बातों पे भी ध्यान ना दे, क्योंकि इस वक्त मीडिया भी अपने हिसाब से बातें फैला रही है। मेरी तो एक मीना समाज के व्यक्ति होने के नाते एक ही चीज़ की अपील करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल शांति से आंदोलन करें। नरेश मीणा जी की गिरफ्तारी के विरोध में शांति से आंदोलन करें, लेकिन किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं या फिर किसी भी तरह के कोई भी नुकसान ना करें। हम जानते हैं कि नरेश मीणा जी के खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो सबके सामने होगा। किरोड़ी लाल मीणा जी भी आपके साथ है, तो सारी चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से ही करें।